नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज खबर बहुत ही दमदार है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम लोग जो है अपने मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आप खुद ये महसूस करोगे कि जो हमारे देश का असली मुसलमान है, यानी कि जो श्री राम को पूर्वज मानता है, अपने देश को हिंदुस्तान को अपना मानता है, उसको जो जिहादी लोग हैं, जो मौलाना बैठे हुए हैं जिहादी बनकर, वो किस तरह से भड़का रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साजिद रशीदी बोल रहा हूँ। जी साजिद रशीदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी हुकम। ये एक वीडियो देख रहा था मैं आपके अभी। जी उसमें मौलानाओं के हाथ काटने की और उंगली काटने की बात कर रहे हैं। जी ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब, बुरी बात। आप कहाँ से बोल रहे? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मौलाना साजिद रशीद। अच्छा अच्छा, पहचाना? नहीं पहचाना नहीं। गजब बेइज्जती है। हाँ वो पुरानी वीडियो है हमारी, वो उसके बारे में बात कर रहे क्या आप? मैंने तो आज ही देखी है वो। हाँ नहीं, आपने आज देखी होगी, हमारी पुरानी वीडियो होगी कोई, वो देखी होगी आपने। अब तो हमने कोई इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर कोई जय श्री राम के नारे को मना करेगा। हाँ तो जय श्री राम के नारे का क्यों विरोध क्यों करते हैं लोग? नहीं नहीं सुनो मेरी बात। जी एक है इस्लामी अकीदा। जी एक है इंसान का अपना अमल। जी इसमें फर्क है। जी हर आदमी को इख्तियार है वो जो चाहे करे। जी 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 वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर दिया, किसी ने कोई लाठी डंडे थोड़ी चलाई उसमें। जी कर दिया उसने, कोई बात नहीं कर ले। जी लेकिन ये कहना कि साहब जय श्री राम पर अकीदा रखना और जय राम को अपना पूर्वज मानना और उसको आदर्श मानना, ये इस्लाम में तो नहीं मेरे भाई। नहीं हमारे पूर्वज हैं श्री राम। नहीं नहीं इस्लाम में नहीं ये कि हम उसको नहीं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। कैसे होंगे पूर्वज? कैसे कैसे पूर्वज होंगे? हाँ, हम बता रहे हैं। वो पुरुष बताओ, हम बता रहे हैं, हम श्री राम के ही वंशज हैं। देखिए कब आए श्री राम? आप सुनिए, बात सुनिए। हाँ बताइए। श्री राम जो है वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे। श्री राम आए कब है मुझे ये बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्षत्रिय थे नहीं थे? अरे भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मैं भी तो बता रहा हूँ ना, मैं मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं जात आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ क्या थी, मैं ये पूछ रहा हूँ कब आए। मेरी मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए। नहीं बता पाओगे ना आप? अरे मैं बता रहा हूँ ना, तारीख का ही नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी तारीख नहीं पता। श्री राम जो है वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे। अरे और मैं भी आए हैं, मुझे सिर्फ मैं भी ये बताओ। जी ये बताओ वो आए कब है? 18 लाख साल पहले आए। 18 लाख साल पहले? जी 18 लाख साल पहले। म्यूजिक आपको आपको इतना पता नहीं कि वंशज होता क्या है। आदर्श लफ्ज आदर्श आपने कहा है कि हम उनको आदर्श मानते हैं। जी आदर्श, आदर्श मानने का मतलब समझते हो आदर्श मानने? हाँ मैं समझता हूँ, तभी मैंने बोला है। मतलब इसका मुझे तो मालूम है, आप जो है आप बिला वजह इसमें जो है वो कर रहे हैं, मुझे सब कुछ मालूम है। आप मैं मानता हूँ आप जो अपनी सुनो जी, आप जो अपनी जहालत की वजह से इस तरह की अफवाहें फैलाना चाहते हैं मुसलमानों में। जी और टोपी पहन के दाढ़ी रख के आप राम को आदर्श मानते हैं, मानिए। जी हम मना नहीं करते। जी आप राम की पूजा कीजिए, हम उसको भी मना नहीं करते। जी लेकिन अल्लाह के लिए दाढ़ी और टोपी हटा दीजिए। दाढ़ी टोपी हटा दीजिए? क्यों आप कासमी लिखते हैं अपने आप को? मैं तो कासमी लिखता ही नहीं, मैंने कहा लिखा कासमी? मैं कासमी हूँ। आपके उस पे लिखा हुआ है राव मुशर्रफ अली कासमी? कहाँ लिखा हुआ है? फेसबुक पे आपकी? हमारी फेसबुक पे राव मुशर्रफ अली लिखा हुआ है देवबंद। कासमी भी लिखा हुआ है? अरे नहीं लिखा हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ की बात होती है? आप आलिम हो गया? आप दाढ़ी रख, मैं क्या कह रहा हूँ, आप आलिम हो गया? कि आदर्श आदर्श मैं क्या कह रहा हूँ, आप आलिम हो गया? आदर्श का मतलब है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप बताइए ना, आप आलिम हो गया? आप अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हो।
आलिम हो तो आपको आलिम ही इतनी हिम्मत कर सकता है? हाँ नहीं, आपने हमारी फेसबुक से इतनी पढ़ी है, क्या लिखा हुआ? कासमी कहाँ लिखा हुआ? मैं कासमी हूँ, कहाँ लिखा? आप झूठ बोल रहे हैं, आलिम होकर के आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आलिम ही इतनी हिम्मत कर सकता है कि आँख में आँख डाल के बात कर सके? आप आलिम होकर के इतने बड़ा झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप आदर्श क्यों मानते हैं उनको, ये तो बताइए। आप आलिम होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इसकी भी तो हद होनी चाहिए ना। आप आलिम क्या झूठ बोलते हैं? मार दियो, जो मर गए तो वही अवेलेबल है, बताइए। आप तो पूछ रहा हूँ, वो नहीं बताओगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसका भी तो जवाब दीजिए ना। आप सवाल ही सवाल उठा रहे, जवाब भी तो दीजिए ना। नहीं, आदर्श मानने का आपको पता है किसे कहते हैं आदर्श मानना? अरे हमें सब कुछ पता है, तो ऐसे नहीं हम लिख लो, पढ़े लिख लो, अगर कुछ पढ़े लिख के नहीं हो पढ़े लिख लो भाई साहब। अच्छा अच्छा कहाँ पढ़े लिखे हैं बताओ, कहाँ पढ़ना है? कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी बताओ आप। आप नेट से ही पढ़ लो, नेट पे ही इस्लाम पढ़ा हुआ है, नेट पे ही हिंदू धर्म पढ़ा हुआ है, नेट पे ही ईसाई धर्म पढ़ा हुआ है, वहीं से पढ़ लो। तो इस्लाम धर्म क्या मना करता है कि श्री राम को जो है आदर्श मानने को मना करता है? हाँ, आदर्श मानने क्यों मना करता है बताइए आप? आदर्श मानने को मना करता है? हाँ, क्यों मना करता है इस्लाम? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ये कहना कि मैं इनको आदर्श मानता हूँ, कहाँ तक ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक क्यों नहीं है, गलत क्यों है बताइए? आदर्श नहीं मान सकते मेरे भाई, मुसलमान नहीं मान सकता आदर्श, उनको नबी और कुरान के अलावा किसी को नहीं मान सकता आदर्श। नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है, हम तो मानते हैं ना, हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं। मानो जी, आप मानो, आप तो कुछ भी मान सकते हो, नहीं आपको मानने को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस्लामी और मुसलमानी शक्ल लेके और मौलवी की शक्ल लेके इस तरह की बातें ना करो। लोगों में जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनमें इस्लाम गलत जाता है कि भाई एक बशक्ल मौलवी आदमी, नहीं मैं तो ऐसा आदमी जिसके हम नमाज, जिसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसी शक्ल का एक आदमी, और वो कह रहा है कि राम मेरे आदर्श है, दुनिया भी थोड़ी सी शोहरत लेने के अरे लिए। मौलाना ये ईमान को बेचते हो, ये हिंदुस्तान को बेचते हो, हिंदुस्तान है, श्री राम के नारे आज नहीं, जो विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मतलब विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं लगाता श्री राम का नारा जी, आप लगवा दोगे मुझसे? नहीं मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा आपसे, मैं नहीं लगाता कर रहे हो। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? नहीं, आप श्री राम के नारों का विरोध ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश पता क्या क्या कहा है बताइए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जो नेशनल एंथम है जी, जो देश का नेशनल एंथम है जी, उसको भी आप फोर्स नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी। लेकिन कोई पढ़ा लिखा होगा तभी तो पता चलेगा। नहीं नहीं, हम तो ये कह, हम आपको थोड़े कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती लगाओ या न लगाओ, आपकी इच्छा है। नहीं, आप हमें रोक ये तो नहीं सकते, आप हमें रोक नहीं सकते। नहीं, अगर मैं हाँ। अगर मैं मौलवी होने के नाते इस्लाम आपको बता रहा हूँ कि नहीं, मुझे पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आदर्श नहीं है राम, हमारे आदर्श है ना, हम तो मानते हैं ना, हमारा आदर्श है ना, आप मानो या ना मानो, हमारे आदर्श कुरान है, हमारा आदर्श है, आप मानो या ना मानो। अरे भाई साहब, अनपढ़ आदमी, हमारा आदर्श तो बाइबल भी नहीं हो सकता आज के टाइम में। वो आप हमारा बाइबल क्या नहीं मानते हैं? तौरात भी नहीं हो सकता। मैं श्री राम हमारा आदर्श अपना आदर्श नहीं मानता हूँ। मैं श्री राम को जो चार आसमानी किताब है और जो जितने भी नबी गुजरे हैं, हम उनको नबी मानते हैं अल्लाह का, लेकिन आदर्श हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीम रिजवी की भी यही इच्छा थी कि कुरान से 26 आयतें निकल जाए ना, उस बिल्ला नहीं, वो उसका अपना देखिए, मेरी बात थी ना, वसीम रिजवी का, वसीम रिजवी का अपना अपना व्यक्तिगत मामला था, अपना मैं बिना, आप कह रहे हो मेरी इच्छा है, आप कह रहे हो मेरी इच्छा है, क्या इच्छा का मतलब ये, इच्छा का मतलब ये नहीं है। नहीं, मैं बिना सोचे समझे किसी बात को कहना शुरू कर दो। नहीं, बिना सोचे समझे कैसे, ऐसे थोड़ा ही ना, पहले उसको समझ लो। हम समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। आदर्श का मतलब है किसी की इक्तदा करना। हाँ, तो आदर्श का मतलब है उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना, और ये नबी और कुरान के अलावा नहीं हो सकता मुसलमान का। अरे मौलाना, हम अच्छी बात किसी से सीख सकते हैं, हम अच्छी बात किसी से ले सकते हैं, वो अलग चीज है जी। लेकिन आदर्श मानना उसको बाकायदा जी, इस्लाम में आदर्श हमारा कुरान है जी, इन्ना का लाला खुलुकी नाजीम जी, इन्ना का लाला खुलुकी नाजीम। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं एड्रेस बता दूं आपको पूरा? हाँ हाँ, कभी आए मैं तो रोजाना आपसे, मैं रोजाना टीवी पे बैठता हूँ भाई साहब। नहीं, टीवी पे तो बैठते होंगे मौलाना, रोजाना टीवी पे बैठता हूँ।
हम टीवी और मैं पहाड़गंज में रहता हूँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड से इमाम हूँ। हाँ तो आप और रहने वाला सहारनपुर का हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। सहारनपुर में कौन सी जगह रहते हो? मैं गंगो रहता हूँ। अच्छा गंगो में कौन सी जगह? कभी कभी गंगो मिलना हो तो गंगो आ जाओ। नहीं खास गंगो ही रहते हो और बैठ के बात कर लो। नहीं गंगो में खास गंगो में रहते हो। आप ये कहते हो मैं सहारनपुर आपके पास आ जाऊँ, मैं सहारनपुर आ जाता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ गंगो में ही रहते हो या आसपास रहते हो? मैं दिल्ली रहता हूँ तो, लेकिन रहने वाला गंगो का हूँ। अच्छा अच्छा गंगो में कौन सी जगह के रहने वाले? गुज्जरवाड़ा। गुज्जरवाड़ा। हाँ अच्छा अच्छा तो गुज्जर बिरादरी से ही होंगे आप? हाँ बिरादरी से गुज्जर हूँ। अच्छा अच्छा तो मेरा नंबर कहाँ से आपके पास में? लेकिन मेरी गैरत ईमानी इतनी नहीं मुर्दा हुई जितनी आपकी हो गई। नकले कुफर कुफर नहीं होता। सुनो नकले कुफर कुफर नहीं होता जी। अगर आप जय श्री राम कह देंगे तो उसपे ईमान भी खराब होता आदमी का जी। लेकिन ये कह देना कि जो आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा या उस पर कोई फतवा देगा मैं उसकी उंगली काट लूंगा, मैं उसका हाथ काट लूंगा, ये बेहुदा बातें करने से कोई आपको कोई विधानसभा मिल जाएगी या MP बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।